कुछ दिनों से टीवी का माहौल चल रहा है चैनल पे। आज बात करेंगे वन प्लस वाई वन टीवी के बारे में, जो कि एक 40 इंच का टीवी है एंड नॉर्मली आपको 22,000 में मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे, लेकिन अगर ऑफर वगैरह अप्लाई करोगे तो आपको 19,700 में मिल जाएगा। एंड ये वाला टीवी आता है 40 इंच एक LED पैनल के साथ एंड एक फुल HD रेजोल्यूशन वाला टीवी है, जिसका ब्राइटनेस 240 निट्स का है एंड एक बेजललेस डिस्प्ले है, और इसका जो कलर का सैचुरेशन है वो 93% DCI-P3 कलर गैमेट के साथ आता है एंड इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज का है। और अगर बात करें साउंड क्वालिटी की, तो आपको डाउन फायरिंग में 2 स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, जो कि टोटल आउटपुट 20 वाट का निकलता है एंड इधर आपको डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट मिल जाता है। सो एंटरटेनमेंट के लिए वाला टीवी काफ़ी बढ़िया होगा, क्योंकि डिस्प्ले का क्वालिटी बहुत बढ़िया है एंड उसके साथ साथ साउंड का भी क्वालिटी बहुत बढ़िया होगा। और दोस्तों, जो कि एक एंड्रॉयड टीवी है, सो इधर आपको गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट मिल जाएगा, एंड्रॉयड 9 पाई का वर्जन मिलेगा, गूगल का सीमलेस कनेक्टिविटी मिल जाएगा, इधर बहुत ईजी कर देता है टीवी को चलाने में विथ एक्टिवेटेड इंटरनेट, एंड उसके साथ साथ आपको इधर क्रोमकास्ट मिल जाएगा, और दोस्तों गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ गूगल वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिलेगा। एंड अगर बात करें स्मार्ट टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट का, सो इधर कनेक्टिविटी में आपको एक ब्लूटूथ स्मार्ट रिमोट मिल जाता है, जो कि ब्लूटूथ से ऑब्वियसली कनेक्टेड है, एंड रिमोट में आपको वॉइस असिस्टेंट मिल जाएगा, रिमोट में माइक है, उधर से बिल्ट इन आप बोल सकते हो एंड उसके साथ साथ आपको इधर मिल जाएगा हॉटकीस। एंड बात करते कुछ मेन स्पेक्स के बारे में, सो इधर आपको 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाता है एक टीवी में, एंड उसके साथ साथ 1 GB का रैम, 8 GB का रोम, कलर को इम्प्रूव करने के लिए गैमा इंजिन मिल जाता है एंड इधर ऑक्सीजन प्ले आप बोलकर एक ऐप मिल जाएगा, जो कि एंटरटेनमेंट को काफ़ी इजी कर देता है। एंड फ्लिपकार्ट में अगर इसका रेटिंग देखेंगे तो 4.6 रेटिंग के साथ आता है एंड दोस्तों 1.5 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने इसको बाय किया है एंड हैप्पी है। और ये वाला टीवी टोटल 74 वाट को एज पावर कंज्यूम करता है एंड ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, जो कि ब्रांड वारंटी है। और दोस्तों, कनेक्टिविटी की बात करें तो इधर आपको HDMI पोर्ट मिलता है, USB पोर्ट मिलता है, डिजिटल ऑडियो इनपुट आउटपुट का पोर्ट मिलता है, टीवी डिश एंटेना मिलता है, AV इनपुट का पोर्ट मिल जाता है एंड वायरलेस में आपको मिलता है वाईफाई और ब्लूटूथ, जो कि रिमोट के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। और अगर बात करें कंक्लूशन की, सो मैं रिकमेंड करता हूँ ये वाला टीवी आप बाय कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उधर से चेकआउट कर सकते हो। एंड ये वाला टीवी एंटरटेनमेंट के लिए तो परफेक्ट है, डिस्प्ले का एक टीवी में क्या चाहिए, डिस्प्ले एंड साउंड दोनों ही बढ़िया है, OS भी आपको बढ़िया मिलेगा, प्रोसेसर भी बढ़िया है, लेकिन एक ही बैक पॉइंट है, वो है 3.5 mm का जैक नहीं है, यानी कि आप एक्स्ट्रा साउंड बार वगैरह ऐड करोगे तब आपको वायरलेसली वाईफाई या फिर ब्लूटूथ के थ्रू ऐड करना पड़ेगा, इधर आपको 3.5 mm नहीं मिलता है, वायर्ड कनेक्ट नहीं होगा। सो कंक्लूशन मैं रिकमेंड करता हूँ, तो अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा।